उसको देखते देखते देखता था, वो सीढ़ियों से उतर रहा था, उसको एक औरत दिखी ऐसा झांकते हुए, फिर गायब। मैंने सुना वो तब घर छोटा हो गया था, मैंने पुराना बेच भी दिया था। मैंने कहा फिर उसके बाद ये स्टोरी बताई, सब लोग नीचे बोलते ऊपर चाबी रह गई, जा लेके आ जा। मैं गया लेने, मैंने कहा लाइट बंद नहीं होनी चाहिए नहीं तो मेरी स्टोरी सुनो, इफ यू बिलीव इट ना। या मैं ही अकेला हूँ, वो आए नहीं, आग आग लगा दी है ना। ठीक है चलो let's go for bonfire। यहाँ पे देखते हैं बोनफायर में कितना ही मजा आएगा, लेकिन ऊपर लगा हुआ है, that's what it looks pretty nice। हीट है लाने वहाँ, हीट है। इसको कहते हैं होली जल रही है। प्रॉपर बोन फायर बनाया इसने। शिट बोन फायर का एक अलग ही चार्म है ना। घर का जो ब्लोअर है ना, नहीं हीटर, I was facing my back, I was on fire, लग गया था। That's good. I started smelling some burning. Then I was like, what is burning? तो मैंने मुड़ के देखा तो I was my eyes was on fire. तो इसको कॉल करेगी बहनों को, एक सब ने बोन फायर लगाया हुआ है। कहाँ थे यार तुम? अरे यार वो वरुण का फोन आ गया था। हाँ तो दो मिनट उससे बात करके, नहीं तो फिर इधर। हाँ लेकिन इसकी आग बंद हो गई, आग खत्म हो गई। वही मैं सोच रहा था, इतनी जल्दी और नहीं डालेगा क्या? उसको बोलना, बोल के आता हूँ। बोल के आ जाए उससे, बोलिए बुझने वाली है थोड़ा, 5 मिनट के लिए 500 रुपये दे रहे हैं, थोड़ा तो और डाल। पहले बड़ी सही थी, हाँ ऊंची सी थी। बॉनफायर होना चाहिए एटलीस्ट आधे एक घंटे तक। हाँ मतलब ऐसे टाइम लिमिट करके, नहीं टाइम लिमिट तो नहीं है, लेकिन अभी बुझ जाएगा, ये नया बनाएगा कि नहीं वो पता नहीं। वही तो लेकिन बनाना चाहिए, लेकिन लकड़ियां हैं नहीं इधर। बॉनफायर का एक्चुअल मजा ना ठंड में ही आता, लेकिन ये ऐसी चीज है कि क्या बोला? हाँ ठीक है फिर, जल गई सब और क्या, नहीं हो रहा, आधे घंटे तक मिनिमम होना चाहिए। आज का दिन अच्छा गया है, मतलब मोस्टली हमने, नहीं आज का तो बड़ा बहुत मजा आया, काफी अच्छा गया।
शॉपिंग भी अच्छी थी, ये भी अच्छी थी, वीडियोस भी ठीक आई, जितनी भी होगी वैसे अच्छा था। मैंने गाने लगाए थे, रोने वाले लगाए थे सुबह। गाने वाला लाया नहीं, मैं ला लेता हूं। नहीं सुबह इधर लगा लेता ना, अभी नहीं। क्यों? मनुष्य थोड़ा ना करनी है। अच्छा, सुबह के लिए होती है मनुष्य। अभी हम बातें करेंगे। हाँ रख दे यार, लेकिन ये तो बुझ गया यार, इसको जलाओ फिर से। जल तो रहा था। हाँ यार बंद हो जाएगा अभी। ये अभी नहीं चलेगा। हाँ? इतनी जल्दी नहीं खत्म होगा ये। पक्का? जल्दी खत्म हो गया तो ये ग्रीन टी वाले ले ले। थोड़ी लकड़ियाँ रख दो यार, हम डालते रहेंगे। हाँ नवीन, थोड़ी लकड़ियाँ और डाल दो यार। ठीक सर, हाँ थोड़ी लकड़ियाँ डाल दो। बोनफायर होना चाहिए काफी देर तक। आज एक डेढ़ घंटे तक, ये थोड़ी बात 10 मिनट में खत्म हो गया। क्या है? First time seeing this. This is one of the beautiful shop. कौन सा है? किसने डाला है? मैं नहीं। तुमने डाला? कौन सा वाला? दिखाया। अच्छा, सॉन्ग तो मैंने ध्यान नहीं दिया था। कौन सा वाला? ये जेनी को बड़ा पसंद था मेरे, उसको मेरी याद आती थी ये सॉन्ग सुन के। क्या चक्कर है उसका? तेरी याद आती है उसको? आती है यार, मैं तो सही दोस्त तो आती है। हाँ मेरे को नहीं आती, मैं सही दोस्त ही हूँ। जैनी तेरा सही दोस्त प्यार है, दोस्त है प्यार है। असली प्यार तो असली प्यार होता है। ये नकली प्यार है? कौन सा? ये भी असली प्यार है। पलपोर दो असली प्यार है। पलपोर नकली प्यार। अब तुम तीसरा प्यार हो असली। मैं नहीं हूँ तीसरे। तीन असली प्यार है। आप हो गए तीसरे। और यू रिमेम्बर इतना अच्छा सा हमारा बॉनफायर था पत्नी टॉप पे खड़े थे, ऐसे ऐसे खतरनाक बिल्कुल लग रहा था। सारा गिरा दिया। हाँ। और किसके सामने? मेरी माँ बैठी हुई थी। मम्मी के सामने। मेरी माँ ने ऐसे देखा। मैं बोला नहीं कुछ उस टाइम में। हॉरर स्टोरी, हॉरर। वहाँ पे जो था ना वो अटेंडर, मेरे को डंडा पड़े आना था। जो हाउसकीपर था ना वहाँ पे, ही वाज टेलिंग अस हॉरर स्टोरीज। वाओ। यू गाइस हैव हॉरर। Do you have guys? They are horror. बहुत दिनों सुनाई नहीं है। इसके साथ एक्सपीरियंस हुए हैं। वो डर जाएगा खुद, इसलिए नहीं सुना रहा। बहुत पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हुए हैं। बहुत सारे हुए हैं। मुझे एक ही बताया। कौन सा? सुनाओ। जो सुनाओ। आपको नहीं। देखो सुनाने में अच्छा है यार तू। सुनाने में तू स्टोरी अच्छा है। See the storyteller, very good storyteller. Very good storyteller. इरशाद। Very good. कैमरा रेड है? कैमरा रेड है। मैंने मैगी अपने लिए बोला। भूल गया। आग में खेलना पसंद है बानू को, कोई जरूरत नहीं आग की। हाँ। मैं करूंगा। ठीक है अभी ठहर जा फिर सारी खत्म हो जाएंगी। तुमको आग थोड़ा लगानी है। करेक्ट। अब तू सुना वो कहानी अपनी, मेरे को बड़ा मजा आता है। कौन सी वाली? रात की, भूत की। एक दिन हाँ तो बता दो इसकी। बोलता मैं रात को सोया हुआ था घर में, तो कुछ बात थी तो ये बाहर लॉबी में सोया था। गर्मी थी शायद, वहाँ पे शीशा होता था तो बड़े बड़े पर्दे लगे होते थे। लॉबी यार तुम लोगों की घर की, तुम्हारा घर यार, ये जम्मू वाला लॉबी कौन सी है? अरे मुझे बताओ। लिविंग एरिया जो है। अच्छा यहाँ टीवी है। हाँ तो वहाँ पे ऐसे वहाँ बेड रखा हुआ था, तो ये सो गया वहाँ पे, पर्दा ऐसे हिलता था। बहुत भूतिया था पहले, अभी तो इन्होंने सामान भर के वो ठीक कर दिया, पहले भूतिया टाइप का था। नहीं नहीं डरेगी ये। अरे भूतिया टाइप टाइप का था, मतलब भूत नहीं थे।
अरे ये छोड़ो उसको, पता नहीं डरे ये छोड़ अभी ये। अरे ये स्टोरी सुनाऊंगा मैं, इसमें भूत कहाँ है। तो इसको रात को ऐसे ही सोया हुआ था, तो इसको थोड़ा ऐसा लगा कि कोई आवाज़ आई। ये ऐसे आधी नींद में था, अंधेरा था, और साइड में ऐसे एक औरत जाते हुए दिखी ऐसे। हाँ ऐसे एकदम से डर गया। मगर इसमें एक चीज़ अच्छी है, जब डरता है भूत का डर, तो एकदम लाइट चला लो। लाइट चलाई, इसकी दादी थी आ रही थी रियल। मेरी मामी जी जो है ना छोटी वाली, तो जो जम्मू में रहती है, जिनसे तुमने काफ़ी बात की थी, तो वो शादी हुई और शी स्टार्टेड कंप्लेनिंग की घर पे कुछ है, भूत है या कुछ ऐसा है उनके घर, जहाँ भी रहते, जहाँ पे वो इससे पहले रहते थे, जो एक्चुअल में घर था। ठीक है, कुछ उनको फील होता है किचन वाली साइड, क्योंकि किचन ऐसा सेपरेट। अच्छा यही वाला घर था वो? कौन सा? इसी वाले घर में उसने कंप्लेन किया था, इधर ही इसको दिखता था पुराना वाला जो मामा जी के घर था। हाँ हाँ हाँ, अच्छा वो वाला। हाँ करेक्ट करेक्ट, याद आया ना। तो उसकी किचन समझ ऐसे है, और किचन अकेली है, और उसके साथ एक डाइनिंग रूम है ऐसा बड़ा सा, मतलब पहले के टाइम पे था ना बना हुआ, तो लंबा सा रूम है, डाइनिंग रूम और सोफाज हैं, और वैसा डाइनिंग प्लस दूसरा रूम बना हुआ है, और बाकी जो है वो ऑन द राइट साइड है, बीच में जगह खाली है, और फिर राइट साइड पे तुम्हारे बाकी रूम्स हैं। ठीक है, और वो साइड पे है, तो वो किचन में जाती थी, उनको कुछ कुछ फील होता था तब कि वैसा है ऐसा है। तो यहाँ वाले रूम और इस साइड वाले रूम अलग अलग हैं। तो यहाँ वाले रूम में एक दिन वो बैठी हुई थी, उनको लगा कि कोई सामने से गया है। ठीक है, तो बाहर आके देखी, उनको कोई नहीं दिखा। फिर दोबारा अंदर चले गई, और थोड़े टाइम के बाद देखा बाहर वाला, उनके वहाँ पे ना बाहर जहाँ पे मेन रूम थे वहाँ पे कूलर था, तो उनको लगा कूलर में कोई कुछ काम कर रहा है, सब मतलब साफ़ कर रहा है। पहले यही होते थे ना वो खसखस, वो चेंज करा देते थे, वैसा था। तो उन्होंने लगा कुछ होगा ऐसा, कुछ हो रहा है, तो अंदर वो अपना काम करने, बाहर आई तो मामा जी आए, उन्होंने बोला कि चेंज कर दिया कूलर में। तो कूलर में क्या चेंज करना, कहते नहीं आप कूलर को कर रहे थे ना, ठीक कर रहे थे खोल के, कुछ ऐसा हाथ देखा था आपका मेरे को ऐसा, तो मैं तो नहीं था। मामी जी ने कहा फाक, मैंने ये देखा, कहती मैंने रहना यहाँ पे। तो ऐसे ऐसे करते करते कुछ कुछ बॉल की भी कुछ आवाज़ आती थी, बॉल आती थी गिरती थी, कुछ तूने बताया था वो यही करता, आवाज़ आती थी कुछ कुछ। ठीक है, वो साइड में, क्योंकि इस साइड सारा खाली था, तो बस मामी को आती थी, मामा को नहीं आती। नहीं मामा को नहीं आई कभी। तो अभी तुम्हारा घर है, और लंबा सा जैसे यहाँ से लेके ऐसा लंबा सा ऐसा लेन था, जैसे यहाँ से वो है ना, ये तो पास हुआ। अच्छा वो जो है वो थोड़ा दूर हो गया, वो वाला जो है एक लाइट हाउस था जो है। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लोज कर दो, इतना डिस्टेंस है स्ट्रेट, ऐसा लंबा सा स्ट्रेट था, और फिर इधर घर से। ठीक है, तो वैसा तो उनको साइड से कुछ आवाज़ आती थी, कुछ ये वो था। अभी सडनली शी वॉज कुकिंग वन डे अपने किचन वाली साइड, आया चलिए ना कि किचन बिल्कुल साइड में थी, वहाँ पे कोई नहीं आता था, अंटरनेस खाना खाना हो, बाकी सब लोग अपने रूम में इधर ही होते हैं। सर्दियों का टाइम था, वो बना रही हैं बेल रही हैं, और वो मुड़ी कुछ लेने के लिए, उनको बगैर गर्दन के एक धड़ दिखा, और अचानक से ऐसा, मतलब एक्चुअली नहीं दिखा, उनको ऐसा लगा कि ऐसा दिखा है बगैर उसके, और वैसा वाला है बस। फिर भाजी चिल्लाते शोर मचाया हुआ था। तो उस घर में कौन कौन रहता था? बॉबी, हीमा, बॉबी थी नहीं था हाँ वही बॉबी था। यस बॉबी था ना, तो उन लोग को भी नहीं दिखता था कुछ, मैं बच्चे को दिखा था कुछ, तब वो बच्चों में क्या दिखेगा, बच्चे को भी थोड़ा हाँ, तो बच्चों को क्या दिखेगा, अरे नहीं दिखता है, आवाजें भी आती हैं। हाँ हाँ, तो बॉबी इनको फिर जब ये बड़े हुए तो फिर इनको देखना चालू हुआ। हाँ इन्होंने फिर वो प्रॉपर्टी, ये वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहे, वो बिजनेस था, दुकानें थी बाहर जो करोड़ों की है, बट वो सब चली गई। ये आपके नाना का घर था क्या? अच्छा उसी घर के तालाब तिलो वाली, अच्छा यही भैया बोल रहे थे क्या कि तालाब तिलो वाली स्टोरी? आप मत करो ना यार। नहीं कोई बात नहीं गुप्शी, उसी हाथ से करो। हाँ तो भगवान ने दो ही दिए हैं। दूसरे हाथ से करो।
मस्त लग रहा। तो सडनली कैसा है उनको उस घर में काफ़ी प्रॉब्लम दिखना चालू होगी। ये मामा जी को बोलते रहे इतना बोला कि उनको भी मतलब थोड़ा ऐसा फील होना चालू हो गया सपने में कि कुछ है वैसा है। तो मामा जी को बोला कि चलो कुछ तो है, कुछ इसका इलाज कराएंगे, भेजते हैं हम लोग। तो उन्होंने बोला ठीक है, अखनूर में लेके गए। अखनूर में कौन लेके गया मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, मतलब हमारे कोई रिलेटिव में किसी ने बताया कि उस साइड है एक झाड़ फूक करता है। तो मामा जी गए वहाँ पे, कहते कि बिजनेस भी नहीं चल रहा, उसमें भी नुकसान हो रहा है, बाकी चीज़ें भी हैं काफ़ी नुकसान। तो कहते ठीक है लेके चलते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है। कहते जैसे ही वहाँ पे ना बाकी लोग भी बैठे हुए थे, ऐसा माता का कुछ था वो बैठा हुआ था बंदा। कहते जैसे ही मैं एंटर हुआ उसने बोला रुक जा कहाँ आ रहा है तू। हम्बली वो ऐसा पूजा वाला है और फिर बोलता है तू नहीं आया यहाँ पे, चल निकल जा। मामा जी को बोला, जिस झाड़ फूक वाले के पास लेके गए थे, बाकी लेडीज भी थी। अच्छा, वो सब क्या बोला, तू क्यों आया, तू क्यों आया, तेरा कोई काम नहीं है, चल निकल जा यहाँ से। हाँ मामा जी मतलब ऐसा थोड़े वैसे हो गए, फिर ऐसे प्यार से नहीं बोला होगा, चिल्ला चिल्ला के बोला। हाँ डोगरी में, पता नहीं डोगरी या हिंदी में, उन्होंने तो हिंदी में बताया हमको। तो बाद में उन्होंने बोला कि तुम्हारे साथ कोई चीज़ भी आई हुई थी वो तुम्हारे पे किया हुआ है, तो किसी ने जादू टोना किया हुआ है बहुत पुराने से, क्योंकि मेरे नाना जी की डेथ हो गई थी, नानी जी की डेथ के इमीजिएटली बाद 4 या 5 महीने के बाद। तब तक सब लोग ठीक थे, नानी जी बिल्कुल ठीक थी, उनको हुआ था पैरालिटिकल पैरालिटिक अटैक। ठीक है, दैट अटैक वाज दैट इंटेंस क्योंकि एक साइड का चले गया और फिर वो रिकवर नहीं कर पाए। अदरवाइज बहुत लोग करते हैं रिकवर, हो जाता है थोड़े टाइम के बाद, बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, बट वो सर्वाइव ही नहीं कर पाए। और ये बताया था हमारे वहाँ पे तोता राम एक पंडित था, उसने इनकी डेथ से पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे घर की जो है दो जो दीवारें हैं वो गिरने वाली हैं। अच्छा, दो मतलब दो बंदे मरने वाले हैं, जो मेन बंदे हैं तो वैसे वाले होते हैं। तो आने वाला सब ठीक है, कहते नहीं जो दिख रहा है वो बोला मैंने, और उसका तब इतना नाम था, ये मैंने बताया था, उनने घर में आके बताया कि ऐसा ऐसा है। फिर नाना जी परेशान रहना चालू हो गए, सब बच्चे हैं कोई भी नहीं है। मामा जी तब शायद हो रहे वाले थे सेटल या क्या था, तो परेशानी आ गई कि उसमें पैसा भी थोड़ा ना होता था, ज़मीन थी थोड़ी बहुत जो पुराने वाली थी, वो भी कैसे करना था, है ना, करेक्ट, कैसे ही था सर्वाइवल। फिर बाकी रिलेटिव्स थे जो जो उन्होंने थोड़ा बहुत किया, कुछ किसी किसी को दुकान दे दी थी बाहर वाली ऐसे काम करने के लिए, और उसी चक्रों में डेथ हो गई उनकी। उनको कुछ नहीं था, फिट एंड फाइन नाना जी। तो ऐसा होना था, तो दिस वाज़ द स्टोरी। फिर वो इन्होंने हाफ पोर्शन जो है वो बेच दिया, बट जब वो बेचा ना तो उसमें से कुछ ऐसा प्रॉफिट हुआ नहीं, मतलब वो कहीं और हो रही लगता गया। तो उस पूरी प्रॉपर्टी से जो भी पैसा आया ना वो किसी काम का नहीं आया, घर तो उसी से लिया होगा ना उन्होंने वाला। हाँ बट कुछ खास नहीं आया ना, वो पता है कितने की प्रॉपर्टी होगी इस समय, वो जिस मेन में थी बाहर। हाँ, हाँ, अभी तो बहुत ज्यादा, अभी तो बहुत ज्यादा होगी, तब भी थी पुरानी बात थोड़ी ना। हाँ। वो आस्ते आस्ते बेचते गए, कुछ हुआ नहीं, बड़ा प्रॉब्लम होती है। सुनाता है ना अच्छी है, खतरनाक तरीके से सुनाता है। एकदम से इंटरेस्ट आ जाता है। तो देन दे आस की हुआ कैसे था, मतलब पता नहीं क्या हुआ, ऐसा ऐसा है इलाज है इसका। उन्होंने कहा क्यों नहीं, बेशक इलाज है इसका, नहीं आया हम कराएंगे आपको, उसने मैसेज किया। अच्छा तू नहीं किया, ये इलाज कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने वो प्रॉपर्टी थोड़ी और बेची, फिर बाहर बना लिया, फिर दुकान के ऊपर घर बना लिया। उन्होंने कहा ये छोड़ देंगे, क्या पता इसी पे है, उस साइड होगा। तो काला जादू तो खत्म किया जा सकता है, पता नहीं यार बड़े साल हो गए, खत्म तो किया जा सकता है। तो मतलब वो सिर्फ घर पे किया हुआ था, वो लोग दूसरी जगह गए तो इट वाज फाइन,
क्या हुआ? जो घर उसके साथ अटैच था उसी को था, बाकी तो किसी को हुआ नहीं कुछ। बट पता नहीं यार, हम लोग भी जा जाते थे, हमको तो कुछ दिखा नहीं। हर कोई को नहीं दिखता, उस घर में भी आपने सुना मामा जी को नहीं दिखता, तो हर किसी को नहीं दिखता शायद। बॉबी को भी नहीं दिखता था, बड़े लेट दिखना चालू हुआ उसको, फिर गायब। मैंने सुना वो तब घर छोटा हो गया था, पुराना बेच भी दिया था मैंने कहा। फिर उसके बाद ये स्टोरी बताई, सब लोग नीचे बोलते ऊपर चाबी रह गई, जा लेके आ जा। मैं गया लेने, मैंने कहा लाइट बंद नहीं होनी चाहिए नहीं तो मेरी देखिए स्टोरी सुनो, इफ यू बिलीव इट ना फिर तुमको डर लगेगा, नहीं बिलीव करते तो फिर कुछ नहीं होता। हाँ वो है, और इतने सालों से सुन रहे हैं। आपने खुद कभी कुछ देखा है? तुमने देखा है कुछ? नहीं, मेरे सात सालों ने देखा, लेकिन मैंने कभी कुछ देखा नहीं। सब बकवास करते हैं, बहुत मैंने सुना है, फेंकते भी बहुत लोग है। एक बार घुंघरू की आवाज, वो भी बस ऐसे दो स्टेप सुना था। घुंघरू तो हमने बड़ी बार सुने। एक बार ये, मैं एक बार वहाँ पे गए थे आर आर नगर में, एक छोटा सा वो था कब्रिस्तान, वहाँ से आने के बाद हमारी तबीयत खराब होगी। वो साइन है कि बुरी हवा, बुरी हवा के, हम हवा के बीच में बैठ गए थे कब्रिस्तान में। स्कूल के राइट में था ना वो पुराना बच्चों का कब्रिस्तान था, वो बच्चों का नहीं था मतलब हिंदुओं का, बड़े भी थे, हिंदू का कब्रिस्तान था कहाँ पे, जहाँ पे वो कॉलेज नहीं था, स्कूल। स्कूल के एनपीएस नेशनल स्कूल के राइट में एक रास्ता जाता था। हाँ, जम्मू में, बैंगलोर में, ऊपर नहीं जाना है, उसी लेन में है। हाँ हाँ, वही ऊपर ही। इसने बोला वहाँ पे किसी ने वो कराया हुआ था कि ऐसा, अदरवाइज वहाँ पे हिंदू नहीं होते थे, वो कब्रिस्तान को किसी तांत्रिक ने उसको सील किया हुआ था। तो हमें पहले लगा कि बच्चे का, तो हमने कहा ठीक है हम जाते हैं, हम कब्रिस्तान के बीच में चले गए, कब्र के ऊपर घूम रहे हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं। देन आई हैव सीन 1960 का ऐसा, मतलब तब का तो इतना पुराना का तो नहीं होगा, दैट मीन्स वो तब बॉर्न हुआ होगा। तो हाँ, हेडस्टोन जो है, तो वो मतलब बड़े बड़े लोग को भी दफनाया हुआ वहाँ पे कुछ था वो, बट हमारी तबीयत खराब हो गई थी। नहीं तबीयत ही नहीं, और वहाँ पे जब हम गए थे, हम जैसे बाहर थे, बाहर प्रॉपर हवा हवा थी और यू कुड ब्रीथ, अंदर जब उस एरिया में आए ना यू कुडंट ब्रीथ। मतलब जो होता है ना तुम्हें लगता है कि एकदम से किसी डैम्प रूम में जब जाते हो, हवा नहीं आती है प्रॉपर सांस, तो वैसा था। मतलब आई डिड नॉट एट्रीब्यूट इट टू एनी एक्स्ट्रा, ये क्या बोलते हैं, सुपर नेचुरल थिंग। मुझे तो ये लग रहा है क्योंकि वो एक तो कन्फाइंड था उधर, थोड़ा वो बन गया था, क्या बोलते हैं, गैस का कुछ बना हुआ था, ओपन था, इस साइड सारा ओपन था, इस साइड वो था, और पता नहीं वो कौन सा, मतलब उसमें आधी ऐसी कब्रें लग रही थी जो टूट गई थी। हाँ, तो मतलब क्या पता कौन सा मीथेन गैस बन गई थी उधर, क्या बन गई थी, कौन जाता क्या पता, पता नहीं। लेकिन उसके बारे में फैला था कि वो भूतिया जगह थी। हाँ। किसी में भूल गया स्टोरी क्या थी। हम लोग भूत को मानते नहीं है वैसे, ना तो ये मानता है ना तो मानते, लेकिन these are some experience, एनर्जी तो थी वहाँ पे। हाँ, एनर्जी, एनर्जी इज द वर्ड, एनर्जी थी वहाँ पे जिसके कारण अपना थोड़ा अपने को तो फील हुआ था। मैगी आ गया, हम लोग गए थे या क्या है, जबकि ऐसा हाँ उल्टी की फीलिंग आई थी, करेक्ट। मतलब हमारी तबीयत थोड़ी ऐसा खराब हो गई थी, उल्टी वाला सीन, और मेरे को थोड़ा टाइम का ठीक हो गया था, बट हम एक्चुअली गए पता है किस लिए थे वहाँ पे, हमने सुना था वही वहाँ पे बोला था किसी ने, तांत्रिक ने, वो तो हम बोले थे हम कहानियाँ सुनाएंगे लोगों को जाके एक बार कि यहाँ भूत वूत था ये वो, लेकिन हम खुद डर गए वहाँ पे। अब वो हो गया कि तुम्हारा कहीं सर दर्द ना हो जाए परमानेंटली, तो ये था। नो, आई नो, आई स्वेयर टू गॉड। थोड़ा दिलो, तू थोड़ा ले। मैं ज़्यादा खाने वाला भी नहीं था, अब मुझे याद है लावण्य ने बोला था मैं मैगी खाऊंगा, मैंने कुछ नहीं खाना था। पर तुम्हारे मैसूर में तो बहुत स्टोरी है, मैसूर की बहुत स्टोरी है।
Bangalore, that's one thing. See, neither do I believe nor do I disbelieve because I have never experienced it. Things which I don't experience, I don't know. I don't. Neutral as well.